सोलन में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई वाहनों की संख्या से शहर में पार्किंग की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नगर परिषद सोलन भी इस समस्या का समाधान करने में विफल साबित हो रही है। सोलन व बाहर से आने वाले वाहन मालिकों व चालकों को पार्किंग की समस्या से दो चार होना पड़ता है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं चालान के रूप में भुगतना पड़ता है। सोलन शहर में पार्किंग की समस्या से हर कोई परेशान है। ऐसा नहीं कि नगर परिषद नई पार्किंग नहीं बनवा रही है। पिछले 15 वर्षों से सोलन शहर में जनता की मांग पर ओल्ड बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के समीप दो पार्किंगों को बनवाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन कई सरकार आई और कई चली गई, पर सोलन की जनता को पार्किंग की सुविधा नहीं मिली। गौरतलब है कि ओल्ड बस स्टैंड की पार्किंग अभी कागजों में ही सिमटी हुई है। वहीं रेलवे स्टेशन बनने वाली पार्किंग का एक ब्लॉक अभी तक बनकर तैयार हुआ है, जो नशेड़ियों, शराबियों व मांगने वालों के रहने का ठिकाना बनी हुई है और नगर परिषद इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस पार्किंग के दो ब्लॉकों में बाहरी राज्यों से मांगने वालों के लिए आए भिखारियों ने कब्जा जमाया हुआ है। वहीं एक ब्लॉक में बिना किसी पार्किंग फीस के लोगों ने परमानेंट अपनी कारें पार्क कर रखी हैं। अब देखना यह होगा कि कब नगर परिषद अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागता है और लोगों को इस पार्किंग की सुविधा का लाभ मिलता है। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने माना कि शहर में पार्किंग की समस्या है और नगर परिषद इस समस्या का हल ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन के पास बनने वाली पार्किंग के दूसरे ब्लॉक का कार्य BSNL को दिया गया है, जो कि जल्द ही शुरू होगा। पिछले कई वर्षों से पार्किंग की कमी है। हमने कोशिश की है कि जहाँ पर भी हमें स्पेस मिलता है वहाँ पर हम कोई पार्किंग खड़ी कर दें। इसी सिलसिले में रेलवे लाइन पर एक पार्किंग काफ़ी अरसे से लटकी हुई थी, जिसको BSNL को दे दिया गया है और इसके दो ब्लॉक बनने थे। एक ब्लॉक तैयार हो चुका है और दूसरा ब्लॉक का टेंडर भी BSNL ने कर दिया है। जब दूसरा ब्लॉक बनेगा तो उस दूसरे ब्लॉक से गाड़ियां होते हुए फर्स्ट ब्लॉक में जाएगी और ये बहुमंजिला पार्किंग है जो है बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगी। जहाँ तक रेलवे लाइन की जो पार्किंग की बात कर रहे हैं, उसमें एक मंजिला पार्किंग जो रोड लेवल पर है, उसमें गाड़ियाँ व्हीकल को खड़ा किया जा सकता है, जिसमें 10 से 12 गाड़ियाँ एट ए टाइम ही खड़ी हो सकती है। और ये फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच इसकी ऑक्शन होनी है, जो कि इसी मंथ में इसकी पार्किंग की ऑक्शन हो जाएगी और किसी ठेकेदार को ये अलॉट हो जाएगी, इसकी ओपन ऑक्शन होगी। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि शहर की जितनी भी पार्किंग है उसको 17 मार्च को उसकी ओपन बोली होने जा रही है। PRTV के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।